हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जहां पर को मैं बात करने वाला हूं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में जो तीसरा ओडीआई हुआ है ना उसके बारे में, जहां पर को ऑब्वियसली यार इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और ये सीरीज भी हम लोग जीत चुके हैं। तो इस मैच की भी बात करेंगे और ओवरऑल ये जो सीरीज है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार इस सीरीज में ना दोनों तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। हमारे जो यंगस्टर थे उन्होंने बहुत ज्यादा कमाल का प्रदर्शन किया है, उनके जो यंगस्टर थे उन्होंने भी यार मुझे लगा कि अच्छा प्रदर्शन कर रखा है, लाइक नांद्रे बर्गर हो गया या फिर यार टोनी डी जॉर्ज हो गया, तो दोनों तरफ से बहुत ज्यादा पॉजिटिव। तो चलो इस मैच का रिव्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। बहुत से लोग बोल रहे हो कि यार मैं इतने आराम से क्यों बोल रहा हूं, यार मैं भाई बहुत ज्यादा बीमार हूं इस टाइम पे को, आई हैव फीवर, मेरा गले का आपको पता ही है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। तो एक दो दिन यार आप लोगों को ऐसी आवाज सुनने को मिलेगी, तो यार आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर जाओगे। तो चलो इस मैच के बारे में बात करते हैं, ज्यादा पकाता नहीं हूं यार आप लोगों को। देखो कल इंडिया ने पहले बैटिंग की और हम लोगों ने एक चेंज किया, रजत पाटीदार आपको यार टीम में आता हुआ दिखा और ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर से बीमार हो चुका है। अब पता नहीं यार वो बंदा एक ही टूर में कितने बार बीमार होता है, लेकिन कल का जो ये मूव है मुझे ऐसा लगा कि यार टीम इंडिया अपने सारे ऑप्शंस को ट्राई करना चाहता था, इस वजह से यार शायद रजत पाटीदार को कल मौका मिल गया। और आई थिंक उसने बहुत ही ज्यादा अच्छा खेला यार, उसने मतलब दिखाया कि वो बंदा क्या कर सकता है अगर उस बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कल बंदे ने 16 बॉलों में 22 रन बनाए। देखो दूसरी तरफ से जो शाइव सुदर्शन था वो तो मतलब यार बहुत आराम से खेल रहा था, लेकिन रजत पाटीदार ने यार पावर प्ले में मारने का सीन जारी रखा था, एक छक्का भी मारा था और तीन चौका भी मारा था। ऑल्दो ये बंदा ज्यादा टिक नहीं सका, नांद्रे बर्गर जो मतलब यार साउथ अफ्रीका का अपकमिंग यंगस्टर आप कह सकते हो, उस बंदे ने इस बंदे को बोल्ड कर दिया था। बट आई थिंक रजत पाटीदार क्या कर सकता है उसकी एक छोटी सी झलक कल आप लोगों ने देख ली होगी, आई होप आगे जो पिक्चर है वो हम लोग यार दूसरे मैचेस में देखें। लेकिन दूसरे बंदे के बारे में बात करते हैं यार, साई सुदर्शन, आई थिंक कल ये बंदा जल्दी आउट हो गया, लेकिन ये जो सीरीज है ना इसके लिए भी थोड़ी इंप्रेसिव टाइप की रही यार, 50 मारी थी इससे पहले वाले मैच में आप लोगों को पता ही होगा। तो आई थिंक इस सीरीज से ना एक पॉजिटिव आप साई सुदर्शन को भी ले सकते हो, अगर मतलब यार यशस्वी जायसवाल फिट नहीं होता है तो साई सुदर्शन को आप यार ओपनिंग वाले रोल में देख सकते हो एज एन लेफ्ट हैंडर। ऑल्दो मुझे लगता है इस टाइम पे को यार जो ओपनिंग वाला सीन है ना वो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है, आपके पास ईशान किशन है, रोहित शर्मा है या फिर यार शुभमन गिल है, ऋतुराज गायकवाड़ है, साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल छह छह हैं, तो यार बहुत ज्यादा मुश्किल होगा अभी मेरे ख्याल से साई सुदर्शन के लिए। लेकिन जब भी मतलब यार टीम इंडिया अपनी बी टीम किसी टूर में भेजना चाहेगी ना, तो मेरे ख्याल से साई सुदर्शन का नंबर आपको आते हुए दिख सकता है। सो लेट्स होप अगर आगे मौका मिलता है तो ये बंदा मतलब यार ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा रन बनाते रहे। लेकिन बात करते हैं कल के हीरो के बारे में यार, संजू सैमसन, फाइनली भाई इस बंदे ने रन बनाए दिए। फाइनली क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि यार ये बंदा बनाता ही है यार रन। इस बंदे के खिलाफ क्या नैरेटिव फैलाया जाता है पता है, कि ये बंदा मतलब यार इसको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें रन बनाता है नहीं है करके। लेकिन लोग ना वहां पर को दो फॉर्मेट्स को मिक्स कर रहे होते हैं, एक कर रहे होते हैं ओडीआई, दूसरा टी20। लोग इसके टी20 के बेसिस पे ओडीआई में जज करते हैं और ओडीआई के बेसिस पे टी20 में जज करते हैं। इस बंदे को मौके कितने मिले हैं बताओ ना ओडीआई में, भाई जब भी इस बंदे को मौका मिला है हर सीरीज में एक ना एक इंपैक्टफुल इनिंग्स ये बंदा खेल के गया है। अब कल देखो इस बंदे ने 108 रन बनाए थे जो मैं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा कमाल के रन थे। आई थिंक यार कल ये बंदा अपनी नेचुरल पोजीशन में बैटिंग कर रहा था, ही लाइक्स बैटिंग अप द ऑर्डर, हम लोग इसको मतलब यार एज एन फिनिशर यूज कर रहे थे, बट आई थिंक रिंकू सिंह अब वहां पर को आ चुका है। तो यार कल जो ये मूव था संजू सैमसन को ऊपर लेके आने का, दैट्स वेरी गुड, बट अनफॉर्चुनेटली इस इनिंग्स के बाद भी मुझे लगता है कि यार ये बंदा जब सीनियर्स आएंगे ना तब इस बंदे को बैठा दिया जाएगा, बिकॉज वी हैव विराट कोहली फॉर नंबर 3 और उसके बाद श्रेयस अय्यर है नंबर 4 पे। तो ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट सीन है पता है संजू सैमसन के साथ। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि यार बंदे के पास स्किल नहीं है, बंदे के मतलब यार स्कोर्स नहीं आ रहे हैं, बट दूसरे जो प्लेयर्स हैं जो मतलब यार इस टाइम पे को हायरकी में ऊपर है ना वो भी मतलब यार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन यार स्काई को जो वर्ल्ड कप में इसके ऊपर प्रेफरेंस मिली थी ना उसका तो कोई जवाब नहीं है यार, सही में बहुत ही ज्यादा कमाल के 108 रन बनाए। शुरुआत में मतलब यार इस बंदे ने सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेला, वहां पर को यार एक बंदे को टिकना था, तो केएल राहुल और संजू सैमसन के बीच में जो पार्टनरशिप हुई वहां पर को जो संजू सैमसन था उसने मतलब यार आराम से खेला। उसके बाद जो तिलक वर्मा और संजू सैमसन के बीच में पार्टनरशिप हुई वहां पर को फर्स्ट हाफ में तो यार संजू सैमसन आराम से खेलते रहा। एक टाइम पे कोई बंदा ना कुछ 50 बॉलों में बहुत कम रन पे खेला था, लेकिन सेकंड हाफ में जो इसने एक्सेलरेट किया भाई उसके बाद इस बंदे का जो स्ट्राइक रेट है वो अचानक से मतलब यार 94 के आसपास पहुंच गया। आई थिंक इट वॉज वन हेल ऑफ अ इनिंग्स यार, 108 रन डेफिनेटली यार साउथ अफ्रीका जैसी जगह पे अगर आप 100 मार दे दो तो आई थिंक यार दैट्स हाई क्वालिटी मेरे ख्याल से। तो संजू सैमसन ऑल द बेस्ट भाई, आगे जब भी मौके मिले आई होप यार आप ऐसा ही प्रदर्शन करो, बट मुझे लग नहीं रहा है कि यार अगले जो मैचेस होंगे सीरीज में तो ले लेंगे, लेकिन यार प्लेइंग 11 में थोड़ा सा मुश्किल है वंस सीनियर एंटर्स द सीन भाई। तो लेट्स होप यार संजू सैमसन को आप कंसिस्टेंटली मौके मिलते रहे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं कहूंगा कि यार शायद रिंकू सिंह को जो लास्ट वाला स्पॉट है ना वहां पर को प्रेफर किया जाएगा। देखो अगर संजू सैमसन नंबर 3 के स्पॉट पे कोई नहीं होता ना मेरे ख्याल से इस बंदे को खिला सकते थे, लेकिन नीचे डाउन द ऑर्डर रिंकू सिंह ने जिस तरह की मतलब यार रिसेंट टाइम में फिनिशेस कर रखी है ना, आपको रिंकू सिंह की तारीफ करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, आजकल ना मैं रिंकू सिंह के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड रहता हूं ना, मतलब जब रिंकू सिंह खेलने आता है तुम्हें इस बंदे को देखने के लिए, मतलब ये बंदा आता है तो भाई अपने साथ एक ऑरा लेके आता है बताया, लाइक मतलब यार सचिन तेंदुलकर खेलने आते थे तो लोग अपनी टीवी ऑन कर देते थे, लाइक मतलब विराट कोहली खेलने आते हैं लोग अपनी टीवी ऑन कर देते हैं, लाइक रोहित शर्मा मतलब यार जब ओपनिंग करने आ रहे थे वर्ल्ड कप में सब उनको देखने के लिए एक्साइटेड थे। ये जो रिंकू सिंह है ना भाई वही ऑरा अपने साथ लेके आ रखा है बताया। आई नो बहुत सारे प्लेयर्स हैं यहां पे जिन्होंने बहुत कमाल
कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। लाइक तिलक वर्मा हो गया, उस बंदे ने भी बहुत ही ज्यादा कमाल की 50 मारी थी। बट रिंकू सिंह के पास एक एक्स फैक्टर है, बताया ये बंदा जो फिनिश कर रहा है ना, मैं सही बताऊं इस पूरी सीरीज में ना इसी बंदे को देखने के लिए बैठा हुआ था। आई थिंक ये जो बंदा आगे चल के बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है तीनों फॉर्मेट में, भाई ये बंदा डेफिनेटली भैया प्रेफर किया जाने वाला है। तो ये जो स्पॉट है जहां पर कोई बंदा खेलता है नंबर 6 या फिर नंबर 7, वहां पर को शायद ये जो बंदा है ना मेरे ख्याल से फर्स्ट प्रेफरेंस होगी। लेकिन यार संजू सैमसन को भी मैं सीन में देखना चाहता हूं, तो आई होप यार इन दोनों के बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो, बिकॉज संजू सैमसन ऐसा प्लेयर है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेल सकता है। बताया अगर आपको टुक टुक खेलना है बंदा वैसे भी खेल सकता है, अगर आपको फास्ट बॉलर्स को पीटना है तो ये बंदा वो भी कर सकता है। तो आई होप यार रिंकू सिंह और संजू सैमसन के बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो, क्योंकि जिस टाइम पे को सारे प्लेयर्स आएंगे ना तब संजू सैमसन को यार नीचे ही बैटिंग करनी पड़ेगी। तो यार देखते हैं क्या होता है। लेकिन यार मेरे ख्याल से कल जो ये बंदा आउट हुआ ना, बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे जहां पर कोई इस बंदे को आउट नहीं होना चाहिए था वहां पर कोई बंदा आउट हो गया करके, 108 रन बनाए उसके बाद ही बंदा आउट हो गया। लोग मतलब यार वहां पर को भी क्रिटिसाइज करने लग गए बताया संजू सैमसन को। आई थिंक वो जो चीज है ना दैट वाज अ पॉजिटिव, बिकॉज ये जो ओडीआई सीरीज हो रही है ना इसका मकसद यार जीतना नहीं था। मैं बताऊं इस सीरीज का मकसद क्या था बताया, कि हमारे जो यंगस्टर है उनका परफॉर्मेंस देखना कि यार वो लोग कैसा परफॉर्म करते हैं करके, बिकॉज अब हम लोग आगे की टीम बना रहे हैं तो विन जो है उतनी ज्यादा मैटर करती नहीं है। बायलैटरल तो यार हम वैसे भी जीतते रहते हैं भाई, इसमें कोई मतलब यार बिग सरप्राइज नहीं है। अगर कुछ नहीं भी होता कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन मैं सारे प्लेयर्स को देखना चाह रहा था किस तरह का मतलब यार ये लोग परफॉर्मेंस करते हैं। और जो कल मतलब यार संजू सैमसन आउट हुआ ना उसके बाद मौका मिला अक्षर पटेल को, जो अनफॉर्चुनेटली यार कैच आउट हो गया। आई थिंक यार दैट वाज अ ग्रेट शॉट। मतलब मैं सही बताऊं जडेजा से अगर आप लोग मूव ऑन करना चाहते हो ना तुम कर सकते हो, बताए तुम्हारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। लाइक वॉशिंगटन सुंदर हो गया 9 बॉलों में 14 रन, मतलब यार ये बंदा बल्ले से भी बना के गया था, अक्षर पटेल ने नहीं बनाया मैं मानता हूं। लेकिन भाई हर्षदीप सिंह, अरे भाई साहब एक बात बताता हूं, देखो ऋतिक भाई आप देख रहे हो ना वीडियो, आप इकले यार ठीक है, आप और मैं क्या बात कर रहे थे, मैं बोल रहा था कि यार हर्षदीप सिंह को मतलब यार अभी भी मौका मिलना चाहिए, और आप बोल रहे थे नहीं भाई हर्षदीप बहुत बेकार टाइप का है। लेकिन पता नहीं मुझे मतलब यार ऐसी फील आ रही थी है कुछ इस बंदे में, मैं मतलब यार इस बंदे को मैंने भी मतलब यार काइंड ऑफ रिजेक्ट कर दिया था। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार मैं बोल रहा था कि इसमें बहुत पोटेंशियल है इसको खिलाते रहो, मैं भी यही बोल रहा था कि यार ये बंदा क्या कहते हैं नहीं होना चाहिए किसी दूसरे को मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस हर्षदीप सिंह ने बैटिंग से भी दे रखा है ना, बॉलिंग के बारे में तो अभी बात करूंगा, बैटिंग भी मेरे ख्याल से यार इसका एक पॉजिटिव रहा है। पता है आई थिंक ये जो बंदा है ना डेवलप किया जा सकता है, ये अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार इस बंदे को T20 मिलो, आई थिंक T20 में इस बंदे का जो परफॉर्मेंस है उतना कुछ खास नहीं रहा है, बट इन द लॉन्गर फॉर्मेट जब कंडीशंस फेवरेबल होती है, बॉल थोड़ी मतलब यार स्विंग टाइप की होती है, आप लोग हर्षदीप सिंह के साथ जा सकते हो। बताए मेरे ख्याल से हर्षदीप सिंह ने इस सीरीज में यार बैटिंग से वो जो छक्के मार रहा था कितना प्यारा छक्का मार रहा था यार, इस बंदे को डेवलप किया जा सकता है ताकि ये जो बंदा है दीपक चहार टाइप का प्लेयर बन जाए। लेट्स सी टीम इंडिया ये करने में कामयाब होती है नहीं होती है, बट आई थिंक अब बैटिंग से भी मैं इसकी थोड़ा बहुत तो मतलब यार इंप्रेस हुआ ही हूं। तो बैटिंग इंडिया की हो गई थी, हम लोगों ने बनाए 296 पे 8। अब बारी थी हमारे बॉलर्स की, क्योंकि यार भाई देखो बॉलर्स ही इस सीरीज में बहुत ज्यादा छाए हुए थे, खासकर हर्षदीप सिंह, तो उनकी जो बॉलिंग है वो देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मुकेश कुमार ने इस सीरीज में मैं कहूंगा कि यार मुझे इंप्रेस नहीं कर रहा है, आई थॉट कि यार इस बंदे से मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा था। पावर प्ले में देख लो कुछ खास बॉलिंग कराई नहीं तीनों मैचेस में, हां एक लास्ट में एक विकेट मिल गया उसकी वजह से इसका जो मतलब यार स्टैट्स हैं वो 9 ओवर में 56 रन इसके बन गए थे और एक विकेट जो ले लिया उससे थोड़ा बहुत मतलब यार आप बोल सकते हो हां भाई इसको भी विकेट मिल गया करके। बट आई थिंक जो ये ओडीआई सीरीज रही है वहां पर को मुकेश कुमार एक नेगेटिव रहा यार, मुझे तो मतलब उतना पसंद नहीं आया। बट साउथ अफ्रीका की तरफ से भाई टोनी डी जॉर्जी, मैंने लास्ट वाले जो वीडियो बनाए थे रिव्यू वीडियो बनाई थी वहां पर को मैंने आपसे क्या कहा था, ये जो बंदा है साउथ अफ्रीका का एंड्रू साइमन टाइप का प्लेयर बन सकता है। पता है बंदे ने पोटेंशियल दिखाया यार, 81 रन का लिए बंदा भी बना के गया है। तो आई थिंक ये जो बंदा है साउथ अफ्रीका को अपनी नजर में रखना पड़ेगा। बैटिंग में शायद मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव इनको देखने को मिला है टोनी डी जॉर्ज, मुझे तो मतलब यार बहुत ज्यादा इस बंदे ने क्या कहते हैं इंप्रेस कर रखा है। लेट्स सी आगे बंदा कैसा करता है। बट रीजा हेनरिक एक बार फिर से यार हर्षदीप सिंह ने इसको अपना शिकार बना दिया इस ओडीआई सीरीज में। हर्षदीप की बॉलिंग भाई साहब यार सही में मैं इसकी बॉलिंग से इंप्रेस हुआ हूं। देखो T20 में तो मैं अभी भी नहीं कहूंगा, मेरे ख्याल से T20 में शायद ये बंदा बहुत ज्यादा नो बॉल्स डालता है, बहुत ज्यादा मतलब यार इसकी लाइन लेंथ बिगड़ी रहती है, मे बी वहां पर को भी इंप्रूव कर जाए। बट आई थिंक जहां पर को थोड़ा बहुत मतलब यार मदद मिलती है ना हर्षदीप सिंह कैन डू बेटर यार, तो मैं इस पे एक दाव तो और खेलना चाहूंगा भाई। ये जो ओडीआई सीरीज है 10 विकेट लेके गया है यहां पर को, कल भी बंदा 4 विकेट लेके गया था, तो इसकी जो बॉलिंग है वो तो मतलब यार बहुत ज्यादा कमाल की रही। आवेश खान एक और पॉजिटिव सरप्राइजिंगली, मैं इस बंदे को उतना हाईली रेट करता नहीं हूं लेकिन बंदे ने अच्छी बॉलिंग करा रखी है तो आई हैव टू गिव हिम दैट यार। तो आवेश खान डेफिनेटली इस सीरीज में मुकेश कुमार से तो ज्यादा बेहतर बॉलर रहा ही है भाई। फिर वॉशिंगटन सुंदर भाई साहब, देखो जडेजा के हमारे पास इतने रिप्लेसमेंट आते जा रहे हैं ना, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन वहां पर को आपको देखने को मिल रहा है। जडेजा यस इज बेटर, आई थिंक इस टाइम पे को वही बंदा खेलने वाला है आई नो, बट अगर ये लोग मतलब यार मूव ऑन करना चाहते हैं इनके पास अक्षर पटेल है, इनके पास वॉशिंगटन सुंदर है, 4 साल बाद है वर्ल्ड कप भाई, तो वहां पर को आप लोग इन दोनों को मतलब यार तैयार कर सकते हो। तो देखते हैं क्या होता है, बट कल इन दोनों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वॉशिंगटन सुंदर 2 विकेट लेके गया, अक्षर पटेल 1 विकेट लेके गया, तो बॉलिंग वाइज भी हमारी जो बॉलिंग है बहुत ज्यादा कमाल गिरी। साउथ अफ्रीका की तरफ से सिर्फ 2 पॉजिटिव रहे, एक का नाम है टोनी डी जॉर्ज, दूसरे का नाम है नांद्रे बर्गर जो मतलब यार 140 प्लस बॉलिंग करा रहा था। तो आई थिंक ये जो मैच है इंटरेस्टिंग तो क्या ही कहूं यार, मतलब एक तरफा ही था, इंडिया ने डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस दिखाया, केएल राहुल की जो कैप्टनसी थी वो भी मतलब यार ठीक ठाक ही थी। सो बहुत ज्यादा पॉजिटिव इस मैच में आप लोगों को भी देखने को मिले होंगे, तो डेफिनेटली अगर आप लोगों की कुछ अलग राय है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल मैच का रिव्यू बस इतना ही है, होप आपको पसंद आया होगा भाई।